दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्च। उत्तर प्रदेश पुलिस में के दो फैसले इस वक्त सोशल मीडिया और अखबारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल परसों उत्तर प्रदेश पुलिस ने फैसला लिया। एक सीओ थे कनौजिया जी को वो एक महिला सिपाही के साथ उन्नाव के होटल में छुट्टी ले रखी थी। उस दौरान वो पकड़े गए, उनको उनकी पत्नी ने पकड़ा। खैर बड़ा बवाल हुआ, उनकी पत्नी ने शिकायत वगैरह की, तमाम तरह की जांच की और जांच के 2 साल बाद फैसला आता है कि जो कनौजिया जी जो सीओ थे उनको डिमोट कर दिया गया। और डिमोट एक दो पोस्ट में बहुत ज्यादा कम डिमोट किया गया। कनौजिया जी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बने थे, अच्छा काम किए, कुछ एग्जाम वगैरह पास किए होंगे तब वो सीओ तक पहुंचे होंगे। लेकिन इस घटना के बाद उनको डिप्टी एसपी से सीधे सिपाही बना दिया गया और वापस पीएसी भेज दिया गया क्योंकि वो पीएसी में सिपाही थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस में एक एडीजी लेवल के अधिकारी थे जो डेपुटेशन पे गए थे सीआईएसएफ, और वहां पे सीआईएसएफ में वहां एक महिला कांस्टेबल ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत की कि उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, दुर्व्यवहार की। ये बाकायदे रिटर्न कंप्लेंट किया था उस महिला सिपाही ने। उसके बाद क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने तुरंत इनको डेपुटेशन से वापस करके इनको वापस मूल कैडर में भेज दिया गया था। उस एडीजी अधिकारी को अभी एक महत्वपूर्ण विभाग का साइबर क्राइम का हेड बना दिया गया। उसी तरह से नोएडा में एसएसपी रहे वैभव कृष्णा का एक एमएमएस, अश्लील एमएमएस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसके बाद वैभव कृष्णा को पहले तो सस्पेंड किया गया, बाद में साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन आईपीएस वैभव कृष्णा को अभी आजमगढ़ रेंज में डीआईजी बना दिया गया। अब दो तरह का व्यवहार हो रहा है, इस पे तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है वो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आप सब न्यूज लॉन्चर के दर्शक उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने एक, चूंकि वो आजाद अधिकार सेना एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते, उन्होंने एक बयान जारी किया है और पुलिस के इस दोहरेपन पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो मैंने अमिताभ ठाकुर सर से रिक्वेस्ट किया, वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा अमिताभ ठाकुर सर को जोड़ा जाए। सर, ये जो आप खुद भी आईपीएस रहे हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा कौन सा नियम कानून है कि एक जो नीचे से प्रमोट होके आया हुआ अधिकारी उसके लिए दूसरा कानून लगेगा और आईपीएस के लिए दूसरा कानून लगेगा, उसी तरह के अपराध? और जहां तक मेरी जानकारी है, जिस महिला के साथ वो डिप्टी एसपी साहब पकड़े गए थे उसने साथ कोई लिखित शिकायत नहीं की थी, अगर मेरी जानकारी सही हो तो। फिर कैसे विभाग ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उनको सीओ से वापस सिपाही बना दिया गया, और दूसरी तरफ जब एडीजी लेवल के अधिकारी पे आरोप लगाया जा रहा है तो उनको जब केंद्र ने वापस कर दिया, तो ये क्या दोहरापन है? जरा इसको जरा नियमावली समझाइए पुलिस विभाग की आप मुझको सर, और अनुशासन की। देखिए सर, ये जो जैसे मैं आईपीएस में था तो हम लोगों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1969 होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार जिसमें डिप्टी एसपी साहब हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है, ये 1975 की शायद है इसमें। और इन दोनों नियमों में एक नियम 3 है। नियम 3 कहता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मी यानी प्रत्येक सेवा के सदस्य का आचरण हर समय ऐसा होना चाहिए जिसे किसी भी प्रकार से अनुचित न कहा जाए। तो यह शब्द जो है अनुचित न कहा जाए, यह बहुत ही ब्रॉड है। और यह देखा जाता है कि सरकारें अक्सर अपनी मनमर्जी इसको व्याख्यायित करती रहती हैं। जैसे मैं समझता हूं, और मुझे अब लगता है कि अब आपने मुझे याद दिला दिया तो मुझे दावा भी करना चाहिए गिनीज बुक में या यहाँ जो है कि सबसे अधिक कंडक्ट रूल के वायलेशन का आरोपित अफसर मैं रहा हूंगा। मुझ पर कई विभागीय कार्रवाइयां हुई और एक विभागीय कार्रवाई में एक साथ 16 आरोप लगे और 16 आरोप यही नियम 3 के उल्लंघन का था कि आपने फला को फला कह दिया, तो आपने आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी तो उनकी जब भैंस चोरी हुई उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया था
कि आजम खान की भैंस की चोरी के लिए पूरा पुलिस महकमा जुट गया है, मेरे बच्चे की साइकिल चोरी हुई है, कोई झांकने नहीं आया, यह मैंने स्टेटमेंट दिया था। तो कह दिया कि आपने तो कंडक्ट रूल का वायलेशन कर दिया। तो वो भी मेरी जांच हुई थी कि आपने कैसे कह दिया कि आजम खान वाले मामले में। इस तरह कुल 16 मुझ पर आरोप लगे थे, उनकी जांचें हुई और 15 को तो बिल्कुल गलत पाया गया, एक में कुछ हल्ला लगाया गया, वो एक दीगर बात है। तो कुल मिला के कि जो धारा नियम 3 है उसको लेके मेरी अच्छी जानकारी हो गई है और उनके आधार पे मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि इस मामले में जो हम लोग पहले कनौजिया जी वाली बात करें, यह जिसको मैं कह सकता हूँ ग्रे एरिया है, कह सकते हैं ग्रे एरिया, अगर एक निगाह से देखें तो मिसकंडक्ट बन जाएगा हल्का फुल्का, एक निगाह से देखें तो कोई मिसकंडक्ट नहीं बनेगा अगर हम कानून की बात करें तो। वह इसीलिए क्योंकि कानून की स्थिति क्या है, एक व्यक्ति है वह व्यस्क है, मैं समझता हूँ डिप्टी एसपी होंगे, प्रमोशन से होंगे तो व्यस्क होंगे ही होंगे, एक महिला सिपाही है संभवतः वह भी व्यस्क है, यह दोनों कहीं से छुट्टी लेके तीसरी जगह पे आते हैं और अपना होटल उटल बुक करते हैं। यह कोई आरोप नहीं है कि होटल के लिए मुफ्तखोरी की या पुलिस के रुतबा दिखाया या उसके पैसे हड़प लिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। उस कमरे में जाते हैं जो अच्छा बुरा कर रहा है, पत्नी पकड़ लेती है। तो कुल मिला के प्रथम दृष्टया यह घरेलू ड्रामा तो हो सकता है लेकिन कोई बहुत ज्यादा आचरण नियमावली का मामला नहीं दिखता है अगर कानून की बात करें। लेकिन मौजूदा सरकार की एक फितरत मैं मानता हूँ कि जो कमजोर है लाचार है, मतलब जैसे तुलनात्मक रूप से जिसकी स्थिति कमजोर है उसके खिलाफ तत्काल एक्शन कर लेती है यह सरकार। इस मामले में भी यही दिख रहा है, यह चूंकि कनौजिया जी कमजोर दिख रहे हैं अतः उनको जो है तत्काल उनके खिलाफ एक्शन हो गया और जो है उनको उनको रिवर्ट कर दिया गया, जबकि इसमें पीड़ित पक्ष उसकी पत्नी है। पत्नी अब घरेलू ढंग से पीड़ित हो सकती है, सरकारी ढंग से प्रथम दृष्टया कोई ऐसी बात नहीं दिखती है क्योंकि वो सरकारी तंत्र में नहीं थे उस समय, बकायदा अवकाश लिए हुए थे, अपने पैसे से गए थे, अच्छा बुरा कुछ को वे झेलते, वो झेल भी रहे हैं। पत्नी अलग नाराज होती परिवार में और अलग जगह साई हुई दुनिया उनको अलग उनके लिए कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह कहीं ना कहीं कमजोर दिखे तो इस आईपीएस संवर्ग और आईएएस संवर्ग और नेता संवर्ग और योगी जी सबों ने उसको देखो मैंने एक नजीर बना दिया। यह सरकार, मेरा यह मानना है कि केवल कमजोरों और गरीबों पर, जैसे कमजोर मैं था अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो लोगों ने आत्मदाह किया, उसमें लोगों ने नाम तो 8 लोगों का लिया, सबसे कमजोर प्राणी मैं दिखा, मेरा आगे नाथ न पीछे पगा, उठा के उन्होंने कहा देखो मैंने नजीर बना दिया, उस समय भी निकला कि नजीर बन गया, देखो वो जेल चला गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये कनौजिया जी नजीर बन गए कि देखो कैसा, हमारे यहाँ तो कुछ भी टॉलरेटेड नहीं होता है। तो यह कनौजिया जी की कहानी है। लेकिन अमिताभ जी, एक सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह, उन्होंने तो इसमें वो बता रहे हैं कि चूंकि वो दलित थे इसलिए दलित के साथ दलित का उत्पीड़न हुआ है और इस तरह की कार्रवाई की गई है। देखिए ये लगा भी हुआ है, ये ट्वीट किया उन्होंने, अखिलेश यादव वगैरह सबको टैग किया है कि चूंकि कनौजिया जी दलित हैं और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलित अधिकारियों के हक का मतलब उनका हक मारा जा रहा है, इसलिए उनको इस तरह की सजा दे दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि कनौजिया जी पे इसलिए कार्रवाई की गई कि वो दलित हैं और बाकी जो लोगों पे आरोप लगे हैं, जो एडीजी साहब का और ये जो नोएडा के एसएसपी था जिनका एमएमएस पूरा वायरल हुआ था, 2020 की घटना है जिसमें वो एक छोटा टाइप का था जिसमें वो दोषी भी पाए गए थे, तब वैभव कृष्णा उनको सस्पेंड किया गया है और अब उनको आजमगढ़ जेल का डीआईजी बना दिया गया है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं आईपी सिंह साहब, ये सही है क्या कि चूंकि कनौजिया दलित थे इसलिए कार्रवाई होगी, बाकी लोग चूंकि दलित नहीं है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जबकि अगर वीडियो साक्ष्य देखा जाए तो वैभव कृष्णा वाले मामले में तो बड़ा मजबूत साक्ष्य था उस वीडियो की प्रासंगिक जांच। देखिए इस पर मैं इस तरह उत्तर दूंगा कि कुछ मेरी अपनी भी गलती है, कमजोरी है मेरी कि मैं बहुधा किसी मामले में धर्म और जाति का एंगल नहीं देख पाता,
कुछ मैं समझता हूँ कि कॉस्मोपॉलिटन सोच ऐसी हो गई है जिसको मतलब जैसे मैं समझता हूँ आजकल जो 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 मतलब जो जिसको भक्त लोग जो जो सेकुलर के साथ और वो एक जो अपशब्द टाइप का कहते हैं कुछ वैसी सोच और कुछ जाति धर्म का एंगल मैं लगाना नहीं पसंद करता, लगा नहीं पाता, लगाना अच्छा भी नहीं मानता अपने सोच के लिए भी देश के लिए भी। अतः मैं उस दृष्टि से वो मेरी कमजोरी है, मैं देख नहीं पाता, देखना नहीं चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी धर्म और जाति इस देश में एक हकीकत तो बन ही गई है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हकीकत है ही है। आईपी सिंह हैं वो लोग, वो ज्यादा वो मैं समझता हूँ कि फील्ड में रहते हैं। मैं तो कहने को एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूं लेकिन हमारी हमारा मेन फोकस तो आइडियोलॉजी पर रहता है, मेरा मेन फोकस व्यवस्था परिवर्तन पर रहता है, चीजों के संघर्ष पर रहता है, चीजों की बेहतरी पर रहता है, तंत्र के सुधार पर रहता है। इसीलिए इन बिंदुओं पर मैं विशेष ध्यान व्यक्तिगत नहीं देता। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि आईपी सिंह गलत कह रहे हैं, यह भी नहीं कह रहा कि वो निश्चित सही कह रहे हैं। उनका अपना नजरिया है, उसका सम्मान है, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पे कार्रवाइयां अक्सर हो जाती हैं, लोग उसके भुक्तभोगी रहते हैं। अगर मुझ पर कभी होती भी है तो मैं उस चीज को उस रूप में नहीं देखता, लेकिन तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि मैं फला जाति का हूं मुझे कर दिया, मैं फला धर्म का हूं। तो अगर आईपी सिंह कह रहे हैं तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने कमजोरी के कारण उस पर बहुत बेहतर व्याख्या भी नहीं कर पा रहा हूं। सर, ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कई तरह के आधिकारिक मामलों में जब डिपार्टमेंट एक एक्शन ले लेता है तो कई लोग जाते हैं कोर्ट से, रिलीफ मिल जाता है, तो क्या इस केस में जो कनौजिया साहब जो सीओ से डिमोट किए गए हैं, अच्छा एक और समझनी थी है कि एक आदमी सिपाही से प्रमोशन पाया होगा, पहले हेड कांस्टेबल बना होगा, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर सीओ, तो सीधे आप उसको मूल पद पे कैसे भेज दे रहे हैं? मतलब आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी थी, सीओ से इंस्पेक्टर बना देते। ये तो मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि एक आदमी तीन सीढ़ी चढ़ के सिपाही से हेड कांस्टेबल बना, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर सीओ बनता है। आपने सीधे उसको तीन सीढ़ी वापस करके सिपाही बना दिया। तो एक तो ये मेरा सवाल था, ये संभव है क्या? और किस बंद कोई भी आप फैसला लेते हैं तो उसके लिए आपकी नियमावली होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की नियमावली होगी जिसके तहत हुआ होगा, पहला सवाल ये है। और दूसरा कि क्या कोर्ट से उनको कुछ राहत मिल सकती है अगर वो कोर्ट जाते हैं तो? देखिए सर, पहला जो प्रश्न है उसका मैं यह उत्तर दूंगा कि कानूनन यह संभव है। कानूनन इसीलिए संभव है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पद पे वो भर्ती हुआ है उस पद तक उसको वापस किया जा सकता है। न्यूनतम पद किसी व्यक्ति का वही हो सकता है जिस पद पे वो भर्ती हुआ है। ये सिपाही जैसे हम लोग एएसपी भर्ती होते हैं, मान लीजिए मैं डीजीपी भी गया अगर जो मुझे अवसर नहीं दिया गया कुछ भी सोच के, तो लेकिन मुझे एएसपी बनाया जा सकता था भले उसमें कितने भी प्रमोशन मुझे बीच में मिले हो। तो प्रमोशन दर प्रमोशन का मतलब नहीं है। जो न्यूनतम पद जिस पर आपने सेवा प्रारंभ की, मेरी विधिक जानकारी के अनुसार उस न्यूनतम पद तक कानूनन आपको अवनत किया जा सकता है, अधिकार है सेवादाता को, एम्प्लॉयर को, ऐसा मेरा समझना है, मेरी जानकारी यह है। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि यदि मुझे मिलेंगे कहीं ये सिंह साहब, क्या नाम है, कनौजिया साहब, तो मैं तो निश्चित रूप से इनके लिए लड़ने को तैयार रहूंगा कोर्ट में। हमारी पत्नी वकील है, हम तो इनकी हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे और मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको न्यायिक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इनके मामले में अतिशय दंड दिया गया है, मनमाना दंड दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में आर्बिट्ररी कहते हैं, आर्बिट्ररी, और जिसको आजकल अरविंद केजरीवाल वाले मामले में जो परवर्स बोलते हैं शब्द आ रहा है कि परवर्स ऑर्डर है, तो प्रथम दृष्टया यह भी परवर्स ऑर्डर दिखता है। मुझे उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बात कह रहे हैं सर कि आप जो है उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपकी वाइफ हाई कोर्ट की वकील है, अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप कनौजिया साहब की न्यायिक मदद करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में और उठ रहा है सर, क्योंकि आप तो काफी दिनों तक सेवा में रहे, 1994 बैच आपने ज्वाइन किया था और नौकरी आपकी 2022 में गई अगर मैं सही हूं तो सर, तो लेकिन ये जो बरेली में जो घटना हुई थी 2 दिन पहले, उस तरह नहीं की मतलब है?
मैं इस मामले में चूंकि अभी हम लोग जो जो मूल प्रश्न था संभवतः हम लोग उससे थोड़ा भटक गए थे, तो मूल प्रश्न यह है कि अभी तो हम लोगों ने केवल उसका डिस्कशन किया कनौजिया जी का, जो विनोद बाबू हैं और जो वैभव बाबू हैं तो उनकी चर्चा अभी हमारी नहीं हो पाई, वह ज्यादा गंभीर मामला है। उसमें मैं पहले विनोद बाबू की के प्रकरण से शुरू करूंगा। विनोद बाबू के मामले में एक चिट्ठी, और जो मैं जब भी कुछ कहता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वह किसी न किसी तथ्य पर आधारित हो, एक पत्र है, पत्र संख्या GIAL/CAO/F-18/23/24 दिनांक 18/3/2024 का यह पत्र लिखा है, जो मिस्टर उत्पल बरुआ हैं। उत्पल बरुआ चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर हैं गुवाहाटी हवाई अड्डे के। इस पत्र को, यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पत्र में जिस महिला ने बीके सिंह साहब पे, विनोद बाबू पे आरोप लगाए हैं, वह आरोप भी इसमें उद्धृत किया गया है। ये आरोप आप देखिए, इसकी गंभीरता, उसमें लिखा हुआ है कि फला व्यक्ति विनोद कुमार सिंह ब्लू कलर की टी शर्ट पहने आए, इस तरह से उन्होंने मुझसे जबरदस्ती बात की, तो फला 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 जबरदस्ती जबरदस्ती सब चीजों को उसमें व्याख्यात की लिखा हुआ है। बरुआ साहब ने DCP को यह पत्र लिखा, DCP गुवाहाटी को, और उनसे अपेक्षा की कि इस मामले में FIR दर्ज किया जाए। कंप्लेंट ऑफ हैरेसमेंट रिसीव्ड बाय अ लेडी एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी एट गुवाहाटी एयरपोर्ट बाय श्री विनोद कुमार सिंह IPS ADG CRPF, यह पत्र है। और उसके पीछे उस महिला का पत्र संलग्न है, उसका नाम लेने का अर्थ नहीं है। उस पत्र पे यह देखिए, उस पत्र पे मात्र यह होता है कि उनको रिपैट्रिएट जो बोलते हैं, यानी कैडर में वापस कर दिया गया, यानी कि दंड कुल मिला कि उनको वापस कैडर भेज दिया गया, भाई तुमको CRPF में नहीं रहना है। जैसे CRPF में कोई आदमी गलत करने वाला नहीं रह सकता है, यूपी पुलिस में कोई भी रह सकता हो। यह तो मैं समझता हूँ यूपी कैडर को इसको अपना अपमान मानना चाहिए था कि जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं मेरे यहाँ क्यों भेज दे रहे हो, लेकिन कह रहा है कि नहीं, हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, तुम रखो। मतलब क्या कि किसी भी व्यक्ति जिसको CRPF नहीं रख सकता उसको यूपी कैडर भेजा जा सकता है? यह एक गंभीर प्रश्न कि एक व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे उसको CRPF से हटा दिया आपने, यूपी पुलिस भेज दिया, पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा हुआ देखिए, वह उस इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ वापस किया गया, न निलंबन न, ये तो FIR का मामला था। कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी के पास जाके उसको, इसमें लिखा वो कह रहा हमको हग करो, यानी हमको इस तरह जकड़ो, जिसको झप्पी दो और तमाम चीजें गई तो वो करो, एक अफसर कह रहा है, वो कह रही कि हम नहीं, हम मना कर रहे हैं, वो कह रहा है इसमें कौन बड़ी बात है, तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं। आपने उन सारे आरोपों को दरकिनार कर दिया जो एक आदमी जबरदस्ती कर रहा है। पत्र में लिखा हुआ है कि बीके सिंह के सहायक राजबीर सिंह असिस्टेंट कमांडेंट प्रशासन ने 2 दिन पहले पत्र लिखा था कि हमारे बड़े साहब बीके सिंह साहब जाएंगे, यानी वो पूरी तरह सरकारी ड्यूटी में थे। लिखा है इसमें बरुआ साहब ने कि उस पत्र के आधार पर हमने इनको VIP लॉन्च में ठहराने की व्यवस्था की थी, यानी पूरे सरकारी इंतजाम थे, सरकारी सुख लिया। वह डिप्टी SP तो बेचारा अपना पैसा खर्च करके जो अच्छा बुरा कर रहा था उसको तो आपने सब कुछ कर दिया, यहाँ सरकारी खर्च पे आप जा रहे हैं, जबरिया इस तरह काम कर रहे हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हुई सिवाय वापस भेज देने के। यह इस घटना को देखिए, इस घटना उस घटना में जमीन और आसमान का अंतर है, मात्र इसीलिए कि कोई किसी उस महिला सिपाही ने आज तक कोई शिकायत नहीं की है। अगर महिला सिपाही ने शिकायत की होती, उसने यह कहा होता कि मेरे साथ अपने अब पोजीशन का फायदा उठाया, उसने कहा होता कि मुझे कोई गलत लालच दे दिया या डरा दिया, ऐसा कभी कुछ नहीं, सिपाही का मेरी जानकारी में कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। आपने उसका सब कुछ कर दिया, और यहाँ पर जब सीधे सीधे एक महिला कर्मी का इतना गंभीर आरोप सार्वजनिक स्थान पे एक ADG रैंक के अफसर का है, आपने दरकिनार कर दिया। अब तीसरा प्रकरण जो आपने वैभव कृष्ण वाला कहा, उनका ऑडियो वीडियो हम सबों ने देखा है, मेरी समझ में उनका वीडियो भी कुछ हद तक ये जो कनौजिया जी है उसी तरह का था, क्योंकि वो भी किसी का अहित तो कर नहीं रहे थे। ईमानदारी की बात यह है,
वो अपना जो अच्छा बुरा कर रहे थे अपने रूम में, इतना ही है कि दफ्तर में कुर्सी पर बैठे थे जैसे मैं अपने कुर्सी में बैठा हूँ, इतना ही भर है, बाकी कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे थे किसी तरह से, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, और उनको निलंबित आपने कर दिया और बाद में आपने उसमें संभवतः तो रफा दफा कर दिया। यानी तीन उदाहरण, तीनों तीन तरह से डील किया आपने। तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि दो आईपीएस है तो आपने उनको अलग किया, यह बेचारा डिप्टी एसपी था वो भी सिपाही से चढ़ के डिप्टी बना, कितना संघर्ष झेला होगा इसने अपने जीवन में। ये मैं समझता हूँ कि इसको हम सभी जान सकते हैं कि सिपाही से प्रमोशन कितना मुश्किल काम है, और आपने मनमानापन किया। हमारी पार्टी और हम इस चीज के खिलाफ है, हमने लिखा है, ईश्वर जाने उस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि पूर्णतः अनुचित और अनैतिक हुआ है। मैं समझना चाह रहा था कि कई लोग कहते, हम लोग बचपन में मतलब छोटे थे, जब बड़े हुए कॉलेज वगैरह में थे, बड़ा बिहार के जंगल राज की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन जो बरेली में हुआ, जिस तरह से सरेआम गोलियां चली दो पक्षों के बीच में और उसकी वीडियो भी बने, अभी तक प्रशासन में कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जो होनी की अपेक्षा की थी। मतलब ये क्या, मतलब इसको क्या माना जाए? उसमें भी देख रहा है कि बड़े अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। ये क्या, आप इतने साल तक सेवा में रहे 1994 से लेकर 2022 तक, क्या तो आपने कभी सोचा था इस तरह के दृश्य आपने देखा था कभी? देखिए, इस बात से हम लोग अवगत हैं, सहमत हैं कि जो मौजूदा सरकार की खासियतें हैं, खासियतें ये हैं कि इनके समय कोई भी घटना होती है, कुछ भी गलत होता है, तो उसको पूरी तरह से स्वतः ही दरकिनार कर देते हैं और केवल तारीफ के अलावा कुछ और कहने का नहीं रखते हैं। तो केवल तारीफ से तो नहीं चलेगा, जब घटनाएं हो रही हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि आप घटनाओं को होने से नहीं रोक सकते, कोई मुझे गलत कहते हैं वो उसकी इच्छा है। आमतौर पे प्रिवेंशन और डिटेंशन पुलिस के दो काम है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। डिटेक्शन तो लगभग 100% होना चाहिए, प्रिवेंशन 100% नहीं हो सकता है, जो असंभव है वो असंभव है। लेकिन कम से कम जिसको कहते हैं कि आप फिर बहुत लंबी चौड़ी मत बोलिए, इतनी लंबी चौड़ी, देखिए अभी 3 दिन आपने एक घटना दी, मैं 2 दिन पहले का बता रहा हूँ, फिरोजाबाद में एक आम नागरिक ने, आम किसान ने पुलिस वालों के सामने एक SDA तहसीलदार को ऐसा थप्पड़ मारा, तहसीलदार गिर गए, और फिर गाड़ी में बैठाया तो एक लात मारा। यह कह रहे हैं कि भय इतना व्याप्त है कि भयानक भय था जब एक एक आम किसान, कहीं ना कहीं उसके पीड़ा रही होगी, उसके कष्ट रहा होगा, उससे अन्याय हो रहा होगा, कि वो इस स्थिति में आ गया कि उसने कहा कि जैसे मैंने धत तेरी किया जैसे कहते हैं। तो बरेली की घटना उसी प्रकार की है। आप इन घटना, अच्छा इसमें रिएक्शंस क्या होता है, केवल अपनी गलत तारीफ। मेरी मौजूदा सरकार से मात्र ये गुजारिश है कि जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जैसी बरेली में भी दिखी है, पूरी तरह दिख रही है, उसको स्वीकार कीजिए, उनमें करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश कीजिए, तब तो प्रदेश लाभ होगा, तब तो भला होगा। और झूठी तारीफ की जाएगी तो किसी भी प्रकार से देश प्रदेश का भला नहीं होगा, घटनाएं घटती रहेंगी। आप कॉस्मेटिक वर्क करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रदेश का कोई फायदा नहीं होगा। बरेली की घटना ने इस बात को एक बार पुनः सामने ला दिया है कि कैसे सरेआम ये घटना हुई, और आपका अब तक रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ये है कि आपने छोटे कर्मी को सस्पेंड कर दिया और अपनी दोबारा अपनी तारीफ शुरू कर दी है कि हमने कर ये करा, भाई आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया है। अगर आपको वास्तव में करना था तो आप SSP पे करते, DIG पे करते, वो जिम्मेदार नहीं है। आपने एक प्यादे को हटा दिया और अपनी वाहवाही ले रहे हैं। तो मतलब सर आपने मतलब लबोलबाव यही है कि छोटे कर्मचारियों पे बड़े कार्रवाई हो रही है और बड़े अधिकारी छूट जा रहे हैं, यही योगी सरकार की बहुत बड़ी सच्चाई है जो जनता समझ रही है और देख रही है। आपने जो समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।